मैं कुल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं टीम 360 के इस चैनल में, जहां पे दोस्तों हर बार अलग अलग स्टेट से लोग यहां पर आते हैं अपने कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फ्रेंचाइजी के उद्देश्य से आए हुए, कोई आता है प्रोग्राम को देखने के उद्देश्य से, और हर बार की तरह हम ये जो वीडियो है बनाते हैं, शूट करते हैं, ताकि आप तक मैसेज पहुंच सके। आपका कोई व्यक्ति यहाँ पे आया हुआ है या आपके स्टेट का कोई व्यक्ति आया हुआ है, तो आप तक ये मैसेज पहुंच सके कि हाँ, बंद आंखों से चीजों को रिकॉग्नाइज करना संभव है। जैसा कि प्रोग्राम का नाम है ब्रेन एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जिसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें आपको जानकारी में मिलती है, उसके अंतर्गत आज यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे बच्चे भी खड़े हुए हैं, हमारी कंपनी के कुछ ट्रेनर्स भी खड़े हुए हैं, साथ में बाहर से आए हुए लोग भी हैं, कोई तेलंगाना कर्नाटका से आया है, कोई बिहार में भागलपुर से आया है, अलग अलग जगहों से लोग आए हैं। हम लोग क्या करने वाले हैं, हम क्या करेंगे, इस काम को तीन हिस्सों में बांट लेंगे। पहला, जितने लोग यहाँ पे हैं उनको एक मौका देंगे, क्योंकि कुछ बच्चे हैं उनके यहाँ पे हम ये कॉटन और पट्टी बांधेंगे, ताकि आप लाइव देख सके और उन लोगों को देख सके जो आप ही के एरिया से आए हुए हैं, वो लाइव यहाँ पे ये टेस्ट लेंगे कि क्या संभव है बंद आंखों से चीजों को रिकॉग्नाइज करना, बंद आंखों से कलर्स रिकॉग्नाइज करना, बुक पढ़ देना, पैरों से अखबार पढ़ देना, मोबाइल के मैसेजेस पढ़ देना, इज इट पॉसिबल टू रिकॉग्नाइज ऑल दोस। अगर ये संभव है तो आप दिखाएं, तो हम ये चीज यहाँ पर शेयर करेंगे। दूसरा, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो सेकंड लेवल पे हम जितने भी लोग ये चीज देख चुके हैं, जो फ्रेंचाइजी लेने के लिए आए, उनके क्या एक्सपीरियंसेस रहे, भाई वो जब चले थे वहां से इस प्रोग्राम के बारे में क्या सोचते थे, ये प्रोग्राम उनको कहां से देखने को मिला, सेकंड जब वो यहां आ गए, दो दिन का पूरा ट्रेनिंग वर्कशॉप अटेंड कर लिया, तो अब उनका क्या एक्सपीरियंस है, और अब जब ये यहां से जाने वाले हैं तो वहां पे इनका क्या फ्यूचर प्लान है, इस प्रोजेक्ट के साथ क्या करने वाले हैं, हम सारी चीज शेयर करेंगे। और उस चीज को ध्यान में रखते हैं, सबसे पहले हम डेमो प्रोग्राम करेंगे, जिसमें कुछ बच्चे हमारे सामने खड़े हैं, ये कॉटन भी रखा हुआ है, पट्टी भी रखा हुआ है। कॉटन और पट्टी इसलिए कि पट्टी हम आंखों पे बांधते हैं, लेकिन कॉटन इसलिए क्योंकि कई टीवी चैनल्स पे बात आ चुकी है कि आप इसको लगा दें इस तरह से आंखों पे, ताकि चीजें रिकॉग्नाइज का हमारा ये क्लियर हो जाए कि हाँ भाई बंद आंखें हैं, रुई लगाई हुई है, आंख बंद रहेगी, जैसे ही आंख खोलेंगे रुई घुसेगी तो आंख बंद ही रहेगी। इस चीज को प्रूव करने के लिए हमने कॉटन रखी हुई है, ताकि चीजें आसानी से आपको समझ में आ सके। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पे काफी सारे लोग खड़े हैं, वन बाय वन हम बुलाते हैं, और यहाँ पे जो पीछे लोग खड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, भाई आपके कॉटन और पट्टी इनके आंखों पर बांध दी जाए, ताकि हम इनका टेस्ट ले सके। और कौन शुरुआत करेंगे, सर आप आगे आ जाए, और इंट्रोडक्शन में सिर्फ अपना अपने उसकी पट्टी ऐसे पोज कर दो, एक बटन डाल दो, बस। अरे डांस आराम से लहरा थे। हेलो दोस्तों, मैं नीरज कुमार फ्रॉम भागलपुर डिस्ट्रिक्ट। मैं यहाँ पर डीमैट्रिक्स के बारे में पता करने के लिए आया था, और डीमैटी के बारे में मैंने कुछ जानकारी ली, और मैं अभी चेक करने जा रहा हूँ कि वाकई में ये सक्सेसफुल होती है या नहीं। जो मेरे माइंड में जो क्वेश्चन चल रहे हैं उसका आंसर अभी मुझे थोड़ी देर में पता चलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, अपनी तरफ से आप अपना मोबाइल मैसेज भी दे सकते हैं, कुछ भी, यहाँ तो चीज़ें पड़ी है, आप ये भी बुक भी दे सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें रखी है, और अपनी तरफ से भी दे सकते हैं। हाँ, ये आप उनके हाथ में ले लें। सी, अभी इन्होंने कुछ दिया है, मैं बोलने वाला नहीं हूँ, मैं सिर्फ सामने रख रहा हूँ, कुछ दिया है अभी हमारे हाथ में, क्या दिया है हम नहीं बोलेंगे, डिस्क्लोज नहीं करेंगे, बच्चा खुद ही बता देगा और खुद ही पढ़ देगा, ठीक है। चलिए, अभी आपने जो भी चीज थी ये बताए थे, यहाँ से ये पढ़ना, निम्न हस्ताक्षरकर्ता द्वारा नवीन पंजीकरण नियमों के अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से कंस्ट्रक्शन ऑफ बिटुमिन रोड्स इज रिहैबिलाइजेशन कॉलोनीज और मिश्रोली जिकाडिया और अन्य खेरी एंड पूरा अंडर राज्य मीडिया। मजेदार चीज ये है कि ये इतना छोटा है, जरा मैं भी देख लूं कि लिखा कहाँ है, ये इतने कठिन कठिन चीजें जिकाडिया इतने छोटे हैं कि आप नॉर्मली आंखों से पढ़ नहीं सकते, मतलब इतने छोटे शब्द, इतने छोटे, और ऐसे के अंदर अगर आंख पे कोई पट्टी बांध दे, कॉटन लगा दे, तो आप अगर यूं यूं करके मान लो देखने की कोशिश भी करोगे तो कैसे देख पाओगे, इतने छोटे छोटे बारीक वर्ड है, महीन वर्ड है। चलिए अब इसकी शुरुआत कर। हाँ बिल्कुल, आप उधर खड़े हो जाए, आप भी अपना इंट्रोडक्शन दे दें। और मेरा नाम राजेश यादव, हम भागलपुर, हम यहाँ पे अपने यूट्यूब पे दिखे थे, उसके बाद यहाँ पे आए, जानकारी ली और इसकी जांच भी कर रहे हैं, सामने में है बच्चे पट्टी बांधे हुए,
हम ये देखना चाह रहे हैं ये सही बात है या गलत है। बिल्कुल, चलिए शुरुआत करते हैं। आप भी अपनी तरफ से दे सकते हैं, मोबाइल का मैसेज भी पढ़ा सकते हैं, ये भी दे सकते हैं, कुछ भी दे दें आप जो देना चाहें। अभी पेज नंबर 30 बोला गया है कि इसे खोल के ये पढ़े, तो ये पढ़ना शुरू कर देंगे। सर पेज नंबर 30 पे पोयम एप्रिसिएशन हैं, तीन लाइंस लिखी हैं और हर एक लाइन के बाद दो ब्लैंक लाइंस हैं। पहली लाइन, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल दोज दैट आर अवेक एंड एक्टिव एट नाइट, फिर दो लाइंस डॉटेड विद ब्लैंक हैं। फिर उसके बाद सेकंड, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल दोज दैट आर स्लीप एट नाइट। आप आगे आ जाएं सर, एक चेंज और करेंगे। अभी तक सर ने ये बोला था कि पेज नंबर 30 बताओ, तो इन्होंने खोल के बताया। अब अपन ऐसा नहीं करेंगे, बुक आपके सामने है, हम इस बच्चे को देने वाले हैं बुक, लेकिन हम किताब नहीं खोलेंगे। किताब खोला तो फिर क्या खोला, इससे बेटर है स्मेल करके बता सके कि कौन से पेज पे क्या इमेज बनी हुई है। वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ज्यादा यूनिक है, ताकि आपको ये पता चले कि हाँ ब्लाइंड फोल्ड में इस लेवल तक भी बच्चे पहुंच सकते हैं। तो अभी इसमें कोई एक पेज हम यूं घूम जाते हैं ताकि उस बच्चे को नहीं दिख सके। आप सब कोई भी पेज खोल के बताएं आपको कौन सा पेज नंबर बताना है बच्चे को, वो अपने आप उस पर क्या चित्र बने हुए ये बच्चा बता दें, वो अपने आप ही घूम गया। ऐसा कुछ भी देख लो, बहुत दिन बस पेज डॉट ई नंबर अब लो सर ये अब स्मेल करेंगे चीजों को। 20 चलिए सर, ये लीजिए हो गया। बताओ सर, पेज नंबर 20 पे ऊपर की साइड लाइंस बनी हुई है और नीचे की साइड एक येलो कलर का बैकग्राउंड है जिसमें इंसेक्ट्स बने हुए हैं, लेडी बग है, बी है और मॉस्किटो है, कॉकरोच है, बटरफ्लाई है। कुछ बोलने बताने की जरूरत ही नहीं है, इसके बाद कुछ रहता ही नहीं है कि आप कुछ और चीज शेयर करो। इस लेवल तक आपके बच्चे भी पहुंच सकते हैं, ये कोई जादू या चमत्कार नहीं है। पिनियल ग्लैंड के एक्टिवेशन से होता है, QSR के बच्चे ऐसा कर पाते हैं। अब इसी चीज को आगे कंटिन्यू करते हुए सब चीज वहां पे आप आगे आ जाएं, वो सबका बारी बारी से हो जाएगा। अभी बहुत बाकी है, अभी ये बच्चा भी राकेश कुमार फ्रॉम बिहार से आए हुए हैं, मैंने यूट्यूब पे देखे और उसके लिए हम यहाँ जयपुर आए हुए हैं बच्चे का टेस्ट ले रहे हैं। चलो अभी लेते हैं टेस्ट, आप देखो कुछ पढ़ाना है मोबाइल, ठीक है? क्या है पूर्व क्या संकल्प इसके ऊपर? श्रीधर यूनिवर्सिटी और क्या है? पीयूष कुमार, ठीक है। क्या टाइम हुआ, टाइम भी लिखा हुआ था इसमें, टाइम पता चला। इसे दो 156 ये वस्तु छपा है।